मेरे बच्चों का भविष्य है, मेरा भविष्य है, मेरी लुगाई का भविष्य है। हम तो सरकार के मुनाइंद में मतलब भिखारी हैं, हमें भीख दो। सरकार के जोड़ी पे लगे मैं भीख मांग रहा हूँ तो सरकार के हम क्या हैं? हम तो हम क्या है? सरकार सरकार है, सरकार से सबसे बड़ी है, सरकार से बड़े हम नहीं है। लेकिन हम तो हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं सिर्फ सरकार से। हम गरीब लोगों को, हमारे बच्चों की तरफ देखो, हमारी तरफ देखो, हम मजदूरों की तरफ देखो। ओ पीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद। यदि ये मोपीएस की मांग पूरी हो जाती है, मैं पंडित का बेटा कहता हूँ गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री वापिस आएगा। सिर्फ और सिर्फ ओपीएस दे दो प्लीज, और दोबारा मुख्यमंत्री गहलोत जिंदाबाद। लेकिन धोखा करोगे तो धोखा ही मिलेगा। बस ओपीएस जिंदाबाद, गहलोत जिंदाबाद, और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ओपीएस। बच्चों के लिए आए हैं। राम राम, मैं महादेव और आप देख रहे हो जलको जयपुर। आज आप जगतपुरा गांव में आया हाँ, जठे अनिश्चित काल धरनो चल रहे है। तो आपने पिछड़ा भीड़ दिख रही है था ने, आप आटे पतो करेंगा ये लोग कहाँ वास्ते इकट्ठा होया है। और यहाँ पर माँ पड़ाव चल रहा है राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन का, ओपीएस की वेतन विसंगति और आरजीएस इंटरडिस्कॉम की मांगों को लेकर यहाँ महापड़ाव चल रहा है 21 तारीख से लगातार। और अभी तक कोई भी वार्ता सरकार से नहीं हुई है, जब तक हमें लिखित में आदेश नहीं मिलेंगे जब तक ये महापड़ाव जारी रहेगा। मतलब और के मांगे हैं और के शिकायतें थारी सरकार? हमारी मैं मुख्य मांग है ओपीएस राज्य कर्मचारियों की भांति हमें भी दी जाए, हमारे आरजीएस की सुविधा भी राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति हमें भी बिजली कर्मचारियों को मिले, और 13 सूत्री मांग पत्र है तो वो सारी मांगों पर हमारी सुनवाई हो। क्या नाम है आपका? रतन सिंह नाम है। राजस्थान सरकार जो ओल्ड पेंशन दे रही है कर्मचारियों को, हम बिजली कर्मचारियों को नहीं मिल रही है, और उसमें भी शर्तें डाली जा रही है। तो हमारी ये मुख्य मांग है कि बिना शर्त हमें भी राज्य सरकार की भांति सभी कर्मचारियों को बराबर मानते हुए ये पेंशन स्कीम के आदेश दिए जाए। और थाना कितना दिन हो गया धरने पर बैठे आने? लगातार 21 तारीख से हमारे आरयूटीका के प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हम लोग यहाँ से जमे हुए हैं, और राज्य सरकार द्वारा हमारी किसी भी प्रकार की मांग पर अभी तक सहमति नहीं बनी है, और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हाल तक कोई भी तरह की रिस्पांस सरकार की तरफ आया को नहीं? हाल तक की सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं आया है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुना जाए और उनको पूरा किया जाए। और लगभग थाने के लाग रही है सरकार ऐसी की थे मांगा मांग रहा हो तो पूर्ति करेगी? सरकार को पूर्ति करनी पड़ेगी, अगर नहीं हुआ तो राजस्थान में ब्लैकआउट होगा, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और सरकार के उम्मीद लाग रही है, मतलब करेगी ही करेगी या नहीं करेगी तो फिर और आगे तक जाऊंगा। ये जहाँ तक सरकार मांगे नहीं मानेगी वहाँ तक ये धरना अनिश्चितकालीन पड़ाव तक रहेगा। क्या नाम है आपको? मेरा नाम सीताराम है सर। सीताराम जी, कौन सी जगह आया होते? नीम का थाना से आया हूँ। नीम का थाना वोट आया होते चला गया। अच्छा, हमारी मांग है कि हमारी ओपीएस है ना, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिली है उसी प्रकार से हमारे को मिलनी चाहिए। हमारे पास कोई पैसा नहीं है जमा करवाने के लिए, बिगर पैसे जमा कराए हमारी मांगे पूरी करेगी सरकार, तब यहाँ से जाएंगे चाहे कितने भी दिन लग जाएंगे। थाने लाग रहे हो सरकार आ चीज थारी मंजूरी करेगी? 100% लग रहा है, 100%। गहलोत जी बहुत तगड़े अच्छे दिल के हैं, लेकिन उन तक बात पहुंच नहीं रही हमारी बात, तो थारे मीडिया के माध्यम में बात तो पहुंच जाए हुई। मीडिया कर्मियों से हमारी एक ही ख्वाहिश है, हमारे गहलोत जी तक ये बात पहुंचा दो, वो हमारी बात सुनते ही हमारी 100% मांग पूरी करेंगे। थाने के लाग रहे हो भाई साहब? हमें लग रहा है कि हमारी मांगे पूर्ण होंगी जल्दी की जल्द। हमारे एरिया में बिजली पूरी रहेगी एक बार? माने एरिया में तो बिजली मैं हटाएगा क्या अन रही है, मैं तो ठप करी बिजली तो अबे तो मतलब थे तो ठप कर आ गया, पीछे जनता ने भी बहुत सारी असुविधा हो रही है। तो मेरे बारे में थारो के मसलो, मतलब सरकार ने सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए थारे बारे में? सरकार ने जल्दी जल्दी सोच पर उचित सकारात्मक निर्णय लेना चाहे और हमारी मांगा ने पूरी करनी चाहे। आपको क्या नाम है साहब? सुखमान संधू। आप कहाँ से आए हो?
मैं हनुमानगढ़ से हूँ, यहाँ जालोर ड्यूटी है। जालोर ड्यूटी है, के पद पर कार्यरत होते? टेक्नीशियन सेकंड। थारी के मांग है? मांग यही है, एक तो ओपीएस लागू करो, जैसे अलग डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट की वैसे ही इसमें करो, और एक इंटर डिस्कॉम है, 13 सूत्री मांग है, अलग अलग मांग रखी है। मांगा पूरी होती लागे या फिर सरकार हुई थाने सिर्फ बनावटी दिखावो लाग रही है? देखो अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, ना तो सरकार ने, ना कोई आगे मीटिंग होती है, लेकिन विफल हो जाती है। आगे थाने के लागे आज सरकार काम कर सी की या बीजेपी काम कर सी या कांग्रेस काम कर सी? यही सरकार काम करेगी। कांग्रेस काम कर देगी पूरो? देखो सरकार का इसमें कोई मैटर नहीं, हमारी जो मांग पूरी करेगा हमें तो उसकी है। हमारी ओपीएस की मुख्य मांग है, ओपीएस के अंदर जो विसंगति है उनको दूर की जाए, और दूसरी मांग है हमारी आरजीएस के अंदर प्रॉब्लम है, उनका क्लेम है बीमा 20,000 तक की है, उनको बढ़ाया जाए, और हमारी जो भी मांग है 13 सूत्री मांग उनको सरकार जल्द से जल्द पूर्ण करे, सुनवाई करे। और भी मतलब पूरे राजस्थान का कर्मचारी आयोड़ा है, मांग है जो ये धरना चल रहा है 21 तारीख से, आज 25 तारीख हो चुकी है, अभी सरकार को आज मना लेंगे, सरकार झुक रही है, सरकार ने आधी मांगे मांग रखी है, पर पूरी 13 मांगे वो 13 मांगे नहीं मान रहे, आधी मांग दो आधी मांगे तो मांग दी। कौन सी मांगा है जी की सरकार हाल फिलहाल मान नहीं रही है थारी? जो आधी मांगे है, जो ओपीएस है वो आरजीएस वाला है, ये तो सरकार दे रही है, परंतु बाकी सारी मांगे है ना, वो पैसे जमा कराने हैं, वो 12% ब्याज मांग रही है, जिस दिन से जो करप्शन से लगे हुए उसको 12% ब्याज मांग रही है, जो लड़के अभी लगा रहे हैं जो 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, तो 4 लाख लड़के कहाँ से लगते हैं पैसे इकट्ठे होकर के? अभी ये जो भी कर्मचारी है, जो भी इसने किसान से बैंक से लोन ले रखा है अपने पेमेंट तनख्वाह पे, तो पैसे इकट्ठे है नहीं इनके पास, को भी मतलब बच्चे को शादी करवा रहे हैं, कोई अपना मकान बना रहे हैं, कोई अपने इलाज के पैसे लगा रहे हैं, तो इसमें जल्दी है कि सरकार को मानना चाहिए, और आने वाले टाइम को सरकार को आज शाम तक झुकना चाहिए, और आज जो भी यही ने एक्शन सब जो है वो मतलब ऑफिस आपके बंद कर रहे हैं, आज सब सारे कर्मचारी छुट्टी दे रहे हैं, और इधर चल रहे हैं किसान धरना चल रहा है, जो भी किसान आज मतलब समस्या में जूझ रहे हैं, और सरकार अभी सो रही है, जो किसानों के बारे में नहीं सोच रही है तो कर्मचारी के बारे में कहाँ से सोचेगी? अब किसान आते हैं थे भी पीछे सारों के सिस्टम बंद कर रहा गया हो, तो कुछ किसानों के बारे में थे भी सोचता होना कि थे जब लारों सगड़ो सिस्टम बंद करना आ गया था, तब किसानों ने पीछे बिजली की दिक्कत हो है, बारी फसलें भी खराब हो रही है, तो थोड़ा थाने या गिल्टी सी है, थोड़ा लागे नहीं कि मतलब गलत हो रही है? अरे हमारे को लग रहा है हमारे का दिख जीव दुख पा रहे हैं, हमारे माता पिता हैं वो भी किसान ही है, हम भी किसान के कम्युनिटी से आते हैं, हमारे ऐसे माता पिता नहीं जो एसी में सो रहे हैं, हम भी किसान के बारे में सोच रहे हैं, परंतु मौका यही आता है। क्या नाम है आप? ओम प्रकाश बेड़ा, जिला महामंत्री जोधपुर डिस्कॉम। सबसे बड़ी मांग हमारी है ओपीएस, सब भी जैसे जो भी विभाग है उनमें ओपीएस लागू हो चुकी है, हमारे जो डिस्कॉम है उसके अंदर ओपीएस लागू नहीं हुई है, और जो लागू हुई है ऐसी हुई है जिसका कोई समाधान नहीं है, और कर्मचारी से पैसा भरने की बोल रही है सरकार। हम चाहते हैं हमारी भी जो ओल्ड पेंशन है वो सेम राजस्थान जो स्टेट गवर्नमेंट लागू है वही हमारी लागू हो, और दूसरी सबसे बड़ी मांग है हमारी इंटर डिस्कॉम की, जो जितने भी विभाग है राजस्थान के अंदर सबके अंदर इंटर होता है ट्रांसफर, बिजली विभाग ऐसा एक सिस्टम है जहाँ नहीं हो रहा है, तो हमारी बड़ी मांग है कि इंटर डिस्कॉम ओल्ड राजस्थान में किया जाए, जो भी कर्मचारी जो अपंग है या विधवा है उनको कम से कम इसमें मौका मिले। और तीसरी बात है ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांग है पूरी करो पूरी करो पूरी करो, ऑफिस की मांग पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो। और अगर सरकार रहेगी अगर थारी जेब तो सरकार हम क्या है, हम तो हम क्या है, सरकार सरकार है, सरकार से सबसे बड़ी है, सरकार से बड़े हम नहीं है, लेकिन हम तो हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं सिर्फ सरकार से, हम गरीब लोगों को हमारे बच्चों की तरफ देखो, हमारी तरफ देखो, हम मजदूरों की तरफ देखो, हम तो सरकार के मुनाइंद मतलब भिखारी है, हमें भीख दो, सरकार के झोली फैला के मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरे बच्चों का भविष्य, मेरा भविष्य, मेरी लुगाई का भविष्य। ओपीएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यदि ये ओपीएस की मांग पूरी हो जाती है, मैं पंडित का बेटा कहता हूँ गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री वापिस आएगा, वापिस आएगा, वापिस आएगा, सिर्फ और सिर्फ ओपीएस दे दो प्लीज, और दोबारा मुख्यमंत्री गहलोत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन धोखा करोगे तो धोखा ही मिलेगा, बस ओपीएस जिंदाबाद, गहलोत जिंदाबाद, और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ओपीएस बच्चों के लिए आए हैं।